हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आ गया हूँ वो एक वीडियो में फुल बॉडी एक्सरसाइजेज। ओनली 5 मिनट में आप कर सकते हैं पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेज। तो फ्रेंड्स, वैसे ही लॉकडाउन लग रहा है कोविड की वजह से। लॉकडाउन तो नहीं, रेड अलर्ट है, उसमें सभी को घर पर ही रहना है। तो आप सभी घर पर हैं तो एक्सरसाइज करें, पूरी फैमिली एक्सरसाइज करें, छोटे से लेके बड़े तक सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी हेल्थी रहे और बॉडी एक्टिव रहे और आपकी इम्यून पावर बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए फ्रेंड्स, आपको 4-5 राउंड लगा लेने हैं आपके जो भी ग्राउंड है उसके, थोड़े वार्म अप होने के लिए। और फिर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है मैं आप सबको बताता हूँ। आपको पहली एक्सरसाइज आपकी, आपको क्या करना है, आपको स्टेपिंग करनी है। इस तरीके से पूरा वार्म, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। इसमें स्टेपिंग करनी है, उसके साथ हाथ हिलाने हैं। कम से कम 1-2 मिनट तक हाथ हिलाने, 1-1.5 मिनट तक। और फिर ऐसे पूछिए, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कराऊंगा फ्रेंड्स इस एक ही वीडियो में। आप 5 मिनट में कर सकते हैं पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। ये करने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्टेपिंग करना है। और फिर ये करनी है, इसमें आपकी घुटने को कंधे से ऊपर लेके जाना है ऐसे। और फिर ये फिर आपको क्या करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है। इसमें क्या करना है, ये बोल लेना है, ये हाथ कर लेना है। और फिर दूसरे पे ऐसे करनी है, फिर ऐसे 5-5 बार करनी है। ये करने के बाद फिर आपको पैर खोल लेने हैं, जितनी आपकी स्ट्रेचिंग है उतने पैर खोल लेने हैं। और फिर आपको ये करनी है क्रॉस। फिर आपको 1-2-3-4 करनी है। कैसे, 1-2-3-4, 1-2-3-4। ये कम से कम 5-6 बार करनी है। और फिर करनी है आपको ये स्ट्रेचिंग की। इसके बाद में क्या करना है, अब आपको स्ट्रेचिंग करनी है। और फिर आपको करनी है कमर की, इसमें ये करना है। फिर आगे की साइड करना है, इसमें अपनी साइड में बहुत बढ़िया स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगी, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और फिर आपको करने ये ऊपर हाथ करने हैं। और फिर ये साइड में जाना है। और फिर ये दोनों तरफ करना है। और फिर आपको क्या करना है, ऐसे कर लेना है। फिर आगे की तरफ झुकना है, कमर की स्ट्रेच करना है साइड, फिर राइट साइड, फिर नीचे, फिर लेफ्ट साइड, फिर ऐसे ऊपर हो जाना है। फिर आपको क्या करना है, कमर को रोल रोल घुमाना है, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। और फिर अगली एक्सरसाइज आपको ग्राउंड को करना है, फिर ये करनी है। इसमें आपके पैरों की स्ट्रेचिंग और कमर की स्ट्रेचिंग होगी। फिर आपको करना है अपने हाथों को रोल कर लेना है, पैरों को भी, फिर हाथ सीधे, पैर सीधे। ये एंकल को ट्विस्ट कर लेना है, तो रनिंग करें तो एंकल में हमें चोट ना लगे। और फिर मुट्ठियों घुमा के फिर हाथों की करनी है बैक साइड, फिर दूसरे हाथ से फिर बैक साइड, फिर बोथ हैंड से फिर बैक। इसमें आपकी हाथों की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर ये हाफ करनी है, फिर पुल करनी है। इसमें आपको एडी को पीछे की तरफ देखना है। और फिर आपको करनी है ये, इसमें कंधे की हो जाएगी आपकी। फिर ऐसे धीरे धीरे गोला बड़ा करता जाना है। और फिर ये
अगली तरफ घुमाना है और फिर ये तो पूरी हाथों की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। फिर अब लास्ट में बची आपकी गर्दन की एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, गर्दन को घुमाना है पहले पीछे की साइड, फिर आगे की साइड, इसमें आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, फिर फुल, फिर दूसरी साइड, और फिर आपकी जबड़े की एक्सरसाइज ऐसे कुछ इस तरह से करना है, नाक के पास में पकड़ के जबड़े को इस तरह से करना है। तो फ्रेंड्स आपकी अब 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने देखी 5 मिनट में पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेज, ये आपको छोटे से बड़े को करनी चाहिए, जो बुज़ुर्ग है उनको वॉकिंग करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और फिट रहे और इम्यून पावर बढ़े। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो हेल्थी रह सके, उनकी फैमिली हेल्थी रह सके। तो फ्रेंड्स आपको ऐसी वीडियो चाहिए फिटनेस की और वर्कआउट की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।